वहीं उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। आज एक बार फिर दिल्ली के तापमान की अगर बात की जाए तो काफी गिरावट देखने को मिली है। आज के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा ने। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो रहा है सुबह के 7 बजे का और दिल्ली का तापमान करीब 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि आज एक बार फिर से दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुँच गया और साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 3-4 दिन दिल्ली में सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ये अनुमान लगाया था कि 3 से 4 तारीख तक सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और उसका सीधा असर मैदानी राज्य में पड़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत के जितने राज्य हैं दिल्ली, NCR, हरियाणा, इसमें सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 2-3 दिन में दिल्ली NCR में कुछ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान एक बार फिर से गिरावट दर्ज होगी तापमान में। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली NCR में फिलहाल कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरीके की सफ़ेद चादर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरा काफ़ी कम है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे जो पूर्वी दिल्ली का खुला इलाका होता है वहाँ पर कोहरा काफ़ी देखने को मिल रहा है और साथ साथ दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी कोहरा कम है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो प्रदूषण है वो भी अपनी चरम सीमा पर है। सफ़र ऐप के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, कौन से इलाके में। लगातार टोटल न्यूज़ पर हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के कौन से इलाके में कितना प्रदूषण है, जिससे आप सचेत रह सकें, आप अलर्ट रह सकें। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली में फिलहाल PM10 जो है 449 बना हुआ है, यानी कि 4.5 गुना के आसपास प्रदूषण बना हुआ है। दिल्ली के और इलाकों की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल PM10 553 यानी कि 5.5 गुना से ऊपर बना हुआ है। मथुरा रोड की बात करें तो यहाँ पर PM2.5 484 यानी कि 7.5 गुना से ऊपर बना हुआ है। NCR के इलाके की बात करें, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल PM2.5 370 यानी कि 6.5 गुना के आसपास। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल 498 PM10 यानी कि 5 गुना के आसपास प्रदूषण बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि प्रदूषण भी लगातार दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगर हवा बढ़ती है तो कुछ हद तक प्रदूषण जो है वो छड़ सकता है और यही वजह है कि हवा की गति पिछले 2-3 दिन से नहीं चल रही है, अच्छी खासी नहीं चल रही है और यही वजह है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतियातन दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में जो है ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया है कि किसी तरीके से प्रदूषण को रोका जाए, लेकिन फिलहाल दिल्ली NCR का मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है। आने वाले 3-4 दिन दिल्ली में सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।